हेलो देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारी एयर सीरीज चल रही है, यहां पर 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सारी एयर स्ट्रेटजीज मैं अपलोड करने वाला हूँ टाउन हॉल 12 के लिए, नई नई आर्मीज जो आपने कभी देखी नहीं होगी। तो पहला वीडियो जो था वो मास इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी था, दूसरा था ड्रैग इलेक्ट्रो लून जैप आर्मी जो मैंने खुद बनाई है, और अब आज हम यूज़ करने वाला है इन्फर्नो ड्रैगन आर्मी। सो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे, नई स्ट्रेटजीज, नए वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज़, क्लैन वॉर लीग्स, सारे नए इन्फॉर्मेशन, टिप्स, गाइड्स, बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा मैं आपके लिए। तो चलिए, पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अब आज की आर्मी बताता हूँ आपको, इन्फर्नो ड्रैगन आर्मी है ये। तो हम इसमें इन्फर्नो ड्रैगन यूज़ करने वाले हैं जो है सुपर ट्रूप है। चलिए देख लेते आज की आर्मी, 14 इन्फर्नो ड्रैगन हम यूज़ करने वाले हैं, एक आइस गोलम, एक इलेक्ट्रो ड्रैगन और 5 बलून्स। स्पेल्स में हमने लिए 5 फ्री स्पेल और 6 बैट स्पेल। तो यहाँ पर हम बैट स्पेल यूज़ करने वाले हैं, और क्लैन कासल ट्रूप्स में हमने लिए 1 ड्रैगन, 4 बलून, 1 रेस स्पेल और स्टोन स्लैमर। तो ये आप कंपोजिशन याद कर लीजिएगा। और हीरोज़ मेरे 2 है, देख सकते हैं आप, बार्डन किंग जो है वो अपग्रेड के ऊपर है। तो यहाँ पर आप एक पॉइजन भी ले सकते हैं सीसी में, अगर आपको चाहे तो, अगर सीसी में ट्रूप्स हो ओपोनेंट के वॉर में, अगर आपको पता हो तो आप यूज़ कर सकते। चलिए दिखाता हूँ आपको एक लाइव अटैक करके, यहाँ पर जो है वो मैं पहले आपको अटैक समझा देता हूँ कैसे करना है। इस अटैक में हमें क्या होता है, मेन फोकस ईगल आर्टिलरी पे करना है, क्योंकि ईगल आर्टिलरी जो है वो इन्फर्नो ड्रैगन्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे सकता है, इसलिए हमें मेन फोकस पहले ईगल आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने पे रखना है। और फिर एयर स्वीपर्स देखना है। दूसरा देखिए, एयर स्वीपर की पोजिशन देख लेते हैं, और फिर हम ईगल आर्टिलरी की तरफ से अटैक करेंगे। तो फनल क्रिएट करना होगा हमें, तो एक साइड पर हम फनल क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन और एक बलून से, और दूसरी साइड पर आइस गोलम और आर्चर क्वीन और बार्बेन किंग अगर आपके पास हो तो। यहाँ पर मेरे पास बार्बेन किंग नहीं है, तो मैं सिर्फ आर्चर क्वीन और आइस गोलम से करूँगा, लेकिन आप दोनों से करिएगा। तो देखिए, बलून और एक इलेक्ट्रो डाल चुका हूँ मैं, और अब दूसरी कॉर्नर पर हम डालेंगे आइस गोलम और फिर आर्चर क्वीन। तो अब ये दोनों फनल क्रिएट करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। तो देख सकते हैं अब ये बेस इलेक्ट्रो की तरफ से कॉम्पैक्ट था, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया फनल हो चुका है क्रिएट। तो अब बाकी के सारे ट्रूप्स हम डाल देंगे। मेन हमें ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय करना है, तो उस साइड से हम ट्रूप्स डालेंगे सारे। तो अब डाल देंगे सारे इन्फर्नो ड्रैगन्स, बलून्स बचे हुए, ग्रैंड वार्डन और स्टोन स्लैमर। तो अब देख सकते हैं आप, ये लोग टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, और टाउन हॉल में से जो पॉइजन भी निकलेगा। और अब ये देखिए, यहाँ पर सीसी में से निकल चुका है मैक्स लेवल का इलेक्ट्रो ड्रैगन, और हमारे इन्फर्नो ड्रैगन्स ने इजीली टाउन हॉल को, ईगल आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर दिया जो मैंने आपको बताया था। टाउन हॉल भी डाउन हो चुका है, तो अब वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लेंगे पॉइजन से बचने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेन फोकस जो है वो ईगल आर्टिलरी पे रखना है, तो पहले ही हम ईगल आर्टिलरी इजीली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। सो अब हम चालू कर देंगे हमारे बैट्स। बैट्स के लिए मेन काम हमें करना है कि बैट जहाँ पर जाए वहाँ पर विजर्ड टावर, स्कैटर शॉट और मल्टी इन्फर्नो अगर फ्रीज हो तो अच्छा है बैट्स के लिए, तो वो बैट्स इजीली अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्कैटर शॉट के पास वो पहुँच रहे थे, तो स्कैटर शॉट मैंने फ्रीज कर दिया है, और एक स्कैटर शॉट को ड्रैगन डिस्ट्रॉय कर रहा है यहाँ पर। सो इजीली अब विजर्ड टावर, स्कैटर शॉट और मल्टी इन्फर्नो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब हमारे बैट्स इजीली पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। यहाँ पर सारे डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इजीली। तो अब बैट्स जो है वो बाकी की बिल्डिंग्स क्लियर करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सीसी का जो ड्रैगन है वो बचा हुआ है, और इन्फर्नो ड्रैगन भी आप देख सकते हैं कई सारे बचे हुए, वार्डन भी फुल हेल्थ पे, बैट्स भी हमारे बचे हुए। सो एक बहुत ही बढ़िया आर्मी है, इजीली हमें अटैक 3 स्टार कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि रश बेस पर अटैक कर रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आगे मैं मैक्स बेस पर भी आपको अटैक करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो है, तो आप समझिएगा कि मैक्स बेस पर ही हम इससे अटैक कर सकते हैं। मुझे मैक्स बेस नहीं मिला अटैक के लिए, इसलिए मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, आपको मैं
TH-13 Max बेस पे, TH-12 Max बेस पे अटैक करके दिखाऊंगा, जो अब TH-13 हो चुका है। सो ये एक अनबिलीवेबल अटैक होगा, तो आप इस अटैक को अच्छे से देखिएगा। एकदम देख सकते हैं आप, TH-13 बेस है ये और टाउन हॉल 12 मैक्स आउट है, एक इन्फर्नो भी मैक्स है। अब यहाँ पर ईगल आर्टिलरी का फोकस रखना है हमें, तो इस तरफ ईगल आर्टिलरी और इस तरफ टाउन हॉल और एयर डिफेंस। इसका पोजीशन देख लीजिए आप, तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून, और दूसरी तरफ यहाँ पर डालेंगे आइस गोलम और आर्चर क्वीन। तो चलिए करते हैं अपना अटैक शुरू। देख सकते हैं बलून डाल चुका हूँ मैं, और अब डाल देंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन और दूसरे कॉर्नर में आइस गोलम और आर्चर क्वीन। अगर आपके पास बाबरी किंग हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है फनल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको 3 स्टार करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये एक बहुत ही अनबिलीवेबल अटैक होगा, क्योंकि TH-12 वर्सेस TH-13 अटैक है यहाँ पर भी। चलिए तो अब फनल क्रिएट हो चुका है, तो अब डाल देंगे सारे बलून्स, इन्फर्नो ड्रैगन्स, ग्रैंड वार्डन और स्टोन स्लैमर। ईगल आर्टिलरी को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि मेन फोकस है कि ईगल आर्टिलरी जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पर कई लोग स्केलेटन स्पेल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो उससे अटैक जो है वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें 6 स्केलेटन स्पेल यूज़ करने पड़ते हैं हमें। देखिए इजीली रेज यूज़ करके हमारा ईगल आर्टिलरी डाउन हो चुका है यहाँ पर, और टाउन हॉल डाउन होते ही मैंने वार्डन एबिलिटी भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर डाल देंगे फ्री स्पेल। फ्री स्पेल जो है मैंने एयर स्वीपर पर डाला, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि विजार्ड टावर पर नहीं डाला, क्योंकि विजार्ड टावर का फोकस जो है वो इन्फर्नो ड्रैगन्स पे था। ऐसा भी आप कर सकते अगर यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो को भी फ्रीज करना है, अगर विजार्ड टावर और मल्टी इन्फर्नो जो है उसका फोकस कोई दूसरे ग्रुप पर है, तो आप अपना फ्रीज सेव भी कर सकते हैं आगे के लिए। और अब यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो और विजार्ड टावर साथ में, तो दोनों को फ्रीज कर दिया एक साथ। और अब हमारे पास जो है वो फ्री स्पेल नहीं बचा है, तो हमारे बैट्स नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे इन्फर्नो ड्रैगन जो है वो बचे हुए। चलिए देखते हैं हम ये अटैक 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं। वार्डन के साथ 4-5 इन्फर्नो ड्रैगन्स है, तो वो एयर डिफेंस का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। चलिए एयर डिफेंस मेन डाउन हो चुका है, अब बचा है सिर्फ इन्फर्नो टावर, विजार्ड टावर और बॉम्ब टावर। चलिए देखते हैं हमारे ट्रूप्स उसे 3 स्टार कर पाते हैं या नहीं बेस को। कई सारे इन्फर्नो ड्रैगन्स अभी बचे हुए, 6 जैसे इन्फर्नो ड्रैगन्स दिख रहे हैं यहाँ पर। पांच इन्फर्नो ड्रैगन्स है, और अब ये लोग ने इन्फर्नो टावर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब बारी है विजार्ड टावर और बॉम्ब टावर की। चलिए अब ये बेस हो चुका है एक ऑलमोस्ट 3 स्टार, तो बहुत ही बढ़िया अटैक था ये गाइस। TH-13 बेस को हमने 3 स्टार करा है इन्फर्नो और ड्रैगन आर्मी से, ऑसम स्ट्रेटजी गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। अब मैं आपको मेरे फेवरेट बेस पर अटैक करके दिखाता हूँ, वॉर बेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पर हम डालने वाले इलेक्ट्रो ड्रैगन और बलून, और दूसरी साइड पर डालेंगे आइस गोलम और आर्चर क्वीन। आइस गोलम को इस तरह डालेंगे ताकि वो अंदर जा सके आर्चर क्वीन को लेकर, तो आर्चर क्वीन जो है वो अंदर के जो 2 एयर डिफेंस है वो इजीली डाउन कर दे, तो हमारे इन्फर्नो ड्रैगन्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वाह, आइस गोलम जो है हमारे पुश ट्रैप से उड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हमारे फलन क्रिएट कर रहा है। देखिए जैसे कि प्लान किया था, हमारे आर्चर क्वीन अंदर जा रही है एयर डिफेंसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अब वो उस तरफ ना भटके, इसलिए मैंने 2 बलून से आर्चर टावर डाउन कर दिया है। तो देखिए परफेक्ट हमारा जो प्लानिंग था वो काम आ रहा है, आर्चर क्वीन एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है यहाँ पर। तो अब सारे इन्फर्नो ड्रैगन्स और बलून डाल देंगे, तो देखिए एज प्लान 2 एयर डिफेंसिस ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर चुकी है हमारी आर्चर क्वीन। और अब हम ईगल आर्टिलरी के साइड से अटैक करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ताकि ईगल आर्टिलरी डाउन हो जाए इजीली।
तो अब हमने वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लिए और अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स। तो पहली प्रायोरिटी विजार टावर को फ्रीज रखना, और यहाँ पर जो है वो मल्टी इन्फर्नो नहीं है तो टाउन हॉल को भी फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि टाउन हॉल अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अच्छा, जब कोई विजार्ड टावर नहीं बचा तो हम हिडन डेस्लास जो है वो एक साथ है तो उन्हें फ्रीज कर देते। यहाँ पर एक विजार्ड टावर बचा हुआ था, उसने बैट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे इन्फर्नो ड्रैगन्स बचे हुए, वार्डन भी फुल हेल्थ पे, तो इजीली अटैक भी हो जाएगा, एक 3-स्टार अटैक। ऑसम अटैक गाइस, बहुत ही खतरनाक बेस पर हम 3-स्टार कर चुके। तो अब आपको अटैक कर दिखा था रिंग बेस पर, यहाँ पर भी अपना प्रायोरिटी है इधर पहले। तो फनल क्रिएट करने के लिए मैंने डाल दिए ट्रूप्स हमारे आइस गोलम, आर्चर क्वीन, बलून और इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो वो लोग फनल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं क्या बढ़िया फनल क्रिएट हुआ है। तो अब सारे ट्रूप्स डाल देंगे ग्रैंड मॉडर्न और स्टोन स्लैमर, और यहाँ पर स्कैटर शॉट को फ्रीज कर दिया है मैंने पहले, और ईगल आर्टिलरी के पास डाल देंगे रेज ताकि हमारे ट्रूप जल्दी पहुँच कर ईगल आर्टिलरी को डाउन कर दे ज़्यादा डैमेज देने से। और अब सीसी में से निकल चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो उसको भी फ्रीज कर देंगे। इस आर्मी में मैंने दो फ्रीज की जगह एक रेज ले लिया अलग से, और टाउन हॉल हमारा डाउन हो चुका है। तो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स। स्कैटर शॉट को फ्रीज रखना है, लेकिन फ्रीज है नहीं हमारे पास, और वैसे भी स्कैटर शॉट का जो फोकस था वो इन्फर्नो ड्रैगन पे था, तो इजीली अटैक भी हो जाएगा, एक 3-स्टार अटैक। यहाँ पर माइंस ने जो है वो बैट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये माइंस बहुत ही डैमेज पहुँचा सकती है आपके इन बैट्स को। चलिए अब ये अटैक भी होने वाला है 3-स्टार। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली आर्मी के साथ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।